सब्सक्राइब कीजिए होम कुकिंग विद नौशीन को, बेल बटन को प्रेस कीजिए आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ चिकन कलेजी। तो इसके लिए मैंने ली है 1.5 किलो कलेजी और विनेगर लिए हैं, साथ ही में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नमक। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और विनेगर डालेंगे इसमें। सिर्फ अब इसे हम धो रहे हैं तो किस तरीके से इसकी पूरी स्मेल ख़त्म हो जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। विनेगर डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका जो भी खून है अलग से वो पूरा निकल जाए, और ये जो भी रेड रेड लग रही है ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये पूरी तरीके से धोने के बाद वाइट हो जाएगी और इसकी पूरी सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। देखिए कितना खून निकल। कलेजी हमने पूरी धो ली है और ये पूरी वाइट हो चुकी है, अब ये बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसे गैस पर रख दिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे 1 प्याज पतला कटा हुआ और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर चाहिए हमें प्याज में, तो वैसी कलर आ गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा सा टमाटर कटा हुआ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है। दो से तीन मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अभी हम डाल रहे हैं नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, दही डाल देंगे 1/2 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे मसालों को भून लेंगे साथ में। दो मिनट के लिए बस इसे कवर करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए पूरा मसाला भी हमारा भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कलेजी। देखिए कलेजी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे ताकि इसमें जो भी बची कुची स्मेल है वो भी सब ख़त्म हो जाए। इस तरीके से भूनने से आपकी कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है, सॉफ्ट बनती है। और इसमें 1/2 ग्लास के करीब हम पानी ऐड कर रहे हैं। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम ढक देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, तेल भी सरफेस पे आ चुका है और कलेजी भी हमारी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं इसमें 1 पिंच। और कटी हुई कोथमीर से आप इसे गार्निश कर दीजिए। कलेजी मसाला हमारा बनकर रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए
और प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।